और या हमारी गली के बेचने वाले, कबाड़ी वाले, कभी कोई वाले ये मेरी वीडियो नहीं बनने देंगे, मेरा धंधा बंद करवाएंगे। ये मास्क सही है हर किसी के लिए, तो इसमें क्या करना है आपको, टर्मरिक यही आके खास ले। इतनी अमीरों वाली बात बताती कुत्ता। हेलो गलीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, प्यार से होंगे और खुश होंगे अपने घर में। तो आज आप जैसे मुझे देख सकते हो कि ये जो मैं H&M से हुडी लेके आई थी, मैंने रख ली। भाई मम्मी मुझे अलाउ ही नहीं करी, मम्मी कह रही नहीं हुडी अच्छी नहीं लगती मेरे ऊपर। क्या मुझ पे सच्ची हुडी अच्छी नहीं लगती? मुझे तो अच्छी लगी है। और मम्मा को मैंने बोला कि मैं कौन सी हुडी रखूं, मम्मी ने बोला सिर्फ पिंक और व्हाइट, अगर रखनी भी है तो ग्रीन रखनी नहीं है। पर मेरा मन तो था, पर मैं क्या कर। ओके गुलीज, सो आज का जो टॉपिक होने वाला है इस वीडियो का, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मैंने इस टॉपिक पे पर्टिकुलर कभी वीडियो नहीं बनाई ऐसे, मतलब पर्टिकुलर वीडियो कभी नहीं बनाई, थोड़ा 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 बताया, बट आज मैं डीप में बताऊंगी इसके बारे में कि जो प्रॉब्लम है ना दोनों को है, मतलब फीमेल को और मेल को दोनों को ये प्रॉब्लम है। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि आपकी वजाइना या फिर आपका प्राइवेट पार्ट डार्क क्यों हो जाता है, क्या रीजन होता है, अगर वो डार्क है उसको व्हाइटन अप कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो आज ये वीडियो इसी के लिए होगी। और या बेचने वाले, कबाड़ी वाले, कभी कोई वाले ये मेरी वीडियो नहीं बनने देंगे, मेरा धंधा बंद करवाएंगे। तो मैं, मतलब लड़के भी इस चीज को यूज कर सकते हैं जो जो चीजें मैं बताऊंगी, बट स्पेशली मैं लड़कियों को एड्रेस करके ये वीडियो बना रही हूँ, तो आप समझ जाना कि अगर मैं बोलूंगी तो आपके लिए भी है। सबसे पहले बात करते हैं कि डार्क होना नॉर्मल है या नहीं है। या इट्स वेरी नॉर्मल, ये बहुत ज्यादा नॉर्मल होता है, सबके साथ प्रॉब्लम होता है, हम किसी को भी जज नहीं कर सकते। जैसे कई सारे लोगों को मिथ होता होगा कि अगर वो शक्ल से काले है तो उनका प्राइवेट पार्ट बहुत काला होगा, या फिर कोई शक्ल से बहुत गोरा है तो उसका प्राइवेट पार्ट बहुत गोरा होगा। ये सिर्फ कैरी की बात है, हर किसी का जो कलर होता है, हाँ चीज है कि सेम नहीं होता, बट ऐसा नहीं कि सबका गोरा होता है काला होता है। मेरे हिसाब से इस पे हमें काम करना ही नहीं चाहिए, बट स्टिल कुछ लोगों को इनसिक्योरिटी होती है, उसके ऊपर वर्क करना होता है, तो उसके लिए आई थिंक यू कैन गो फॉर इट। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये किस रीजन से होता है। क्या पता हम कुछ ऐसी गलती कर रहे हो जिसकी वजह से वो और डार्कन अप हो रहा हो, तो उसको हमें स्टॉप करना पड़ेगा। मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, अगर आप भी वो गलती कर रहे होंगे या कुछ ऐसा तो उससे रुक जाना, ठीक है। और इस वीडियो की खासियत ये है, उस कलर को चेंज करने के लिए ना आपको बाहर से कुछ ये सब लेके आने हैं प्रोडक्ट वगैरह कि मैं तो ये लगाऊंगी तो मैं ऐसी हो जाऊंगी, मैं तो ये लगाऊंगी, कुछ नहीं। सिर्फ घर में बैठना, चुप होकर मेरी बात को सुनना है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बेसिक रीजंस जानते हैं जो हर लड़की के साथ होता है और ये क्यों होता है। पहली चीज, हार्मोनल चेंजेस। भाई मेरी इंग्लिश बहुत भारी है, तो अगर मैं कोई वर्ड गलत बोलती हूँ या तो समझ जाना तुम, ठीक है। तो पहला वर्ड है हार्मोनल चेंजेस। ये सारे वर्ड बोलने के लिए मुझे 15 मिनट तक पहले प्रैक्टिस करनी पड़ी है। वर्ड है हार्मोनल चेंजेस। जब हम अपने टीनेज से अडल्ट की तरफ जा रहे होते हैं या फिर हम अपने टीनेज में एंटर भी कर रहे होते हैं, तो ऐसे चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे एक्ने हो जाना, लड़कियों के लिए ब्रेस्ट साइज का इंक्रीज होना, ये सारी चीजें होती है और हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी वो एरिया डार्कन अप होता है, तो इट्स वेरी नॉर्मल। दूसरा, प्रेगनेंसी। अगर आप प्रेग्नेंट है तो भी आपका वो एरिया काला हो सकता है। उसके बाद अगर आपको एजिंग हो रही है या फिर आपको पीरियड्स हो रहे हैं तो भी वो डार्कन अप होता है एरिया, सो इट्स वेरी नॉर्मल, ये हर किसी के साथ होता है। और प्यूबर्टी, अभी देखो मैं इतनी ज्ञान की बात करूंगी, एक सुनना, तुम भी शॉक रह जाओगे। प्यूबर्टी के टाइम पे और प्रेगनेंसी के टाइम पे जो हमारा एस्ट्रोजन लेवल होता है वो एलिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से इतनी अमीरों वाली बात बताती कुत्ता। और प्रेगनेंसी की वजह से जो हमारा एस्ट्रोजन लेवल होता है वो एलिवेट होता है, जिसकी वजह से हमारा व्हाइट एरिया भी काला हो जाता है। सो इट्स प्रिटी ऑब्वियस कि वहां पे तो इफेक्ट पड़ेगा। टेलकम पाउडर से भी वो कालापन आ जाता है, तो टेलकम पाउडर मत लगाना। उसके बाद रीजन होता है कि इफ यू आर गेटिंग इंटीमेट विद समवन, तो एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है जिसकी वजह से वो एरिया डार्कन अप होता है नॉर्मल। और सबसे बड़ा रीजन ये है, चाहे वो टीनेज में लड़की हो या फिर अडल्ट हो, उसके साथ ये होता ही होता है। उसका रीजन क्या होता है कि हम लोगों के वहां पे हेयर आते हैं, मतलब लड़कों के भी आते हैं लड़कियों के भी, लोग उस हेयर को रिमूव करने के लिए अलग अलग प्रोसेस को ट्राई करते हैं। अब कुछ लोग प्रेफर करते हैं वैक्सिंग कराना, कुछ लोग उसको ट्रिम करते हैं, कुछ लोग रेजर कर लेते हैं। भाई रेजर तो कभी भी नहीं करना, रेजर करने से ग्रोथ बहुत ज्यादा हार्ड होती है, जिसकी वजह से रैशेस क्रिएट होंगे, आपको इचिंग होगी वहां, आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। रेजर तो कभी भी यूज नहीं करना। अगर आपकी एज छोटी है और आप नहीं उसको ले पा रहे, तो आप ट्रिमिंग के लिए जा सकते हो, जिससे मैं अभी, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, नहीं तो कई लोग वैक्सीन कराते हैं, वेल एंड गुड। और मुझे ये चीज समझ नहीं आती, अगर आप वैक्सीन करा रहे हो और अपनी फ्रेंड को भी अगर आप ये बता रहे हो ना, हाँ मैं तो वैक्सीन कराती हूँ, तो लोग आपको जज करने लग जाते हैं, मतलब तू वैक्सीन कराती है। अरे भाई खुद की हाइजीन के लिए लोग कराते हैं, इस चीज को दिमाग से निकालो। अगर आप लोग भी किसी की फ्रेंड हो और कोई लड़की करा रही है, तो उसको अप्रिशिएट करो, ठीक है वो करा रही है, अच्छी चीज है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन सारी चीजों को अलग हटा के अगर देखा जाए तो ये हाइजीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मेरी मम्मा ने मुझे ये चीज रिकमेंड की, मेरे काफी सारी फ्रेंड्स हैं उन्होंने रिकमेंड की। अब वो सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है कि अगर पेन हो रहा है तो नहीं कराना। ये बोलूंगी इसको गलत वे में मत लिया करो,
आप लोग नहीं लेते हो, बट मेरे खुद का यह पर्सनल एक्सपीरियंस है। जैसे मैं बोलती हूँ ना, मुझे यार हाँ मुझे वैक्सीन करानी चाहिए, मुझे करानी पड़ेगी, इतना आपको होम रेमेडीज इफेक्ट करेगी, उतना कुछ भी नहीं कर सकता कोई और चीज। क्योंकि अगर आप अलग अलग प्रोडक्ट्स खरीदोगे, मैं भी सोचती थी यार इनके बाथरूम में कितनी अच्छी अच्छी चीजें रखी हैं, बट उनके पीछे अगर आप पढ़ोगे ना कितने सारे केमिकल्स होते हैं, भाई मत यूज कर रखो, नेचुरल चीजें रखो, बेस्ट है। बस तो मैं क्या बता रही थी कि हमारी बॉडी पे काफी सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं जो काले होते हैं। जैसे आपने नोटिस किया होगा काफी सारे लोगों की ये नकल्स होती है ना, शायद ये काली हो जाती है, एल्बो काली हो जाती है, गोडे काले हो जाते हैं। इसके लिए होम रेमेडीज होते हैं। वो वाला पार्ट अगर आपका काला है तो और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो काले हो जाते हैं, तो आप नेचुरल चीजें ही यूज करो एंड इट्स नॉर्मल। उसके बाद क्या होता है, वहां पे अगर आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, बहुत पसीना आ रहा है, उठते बैठते हो आपको ऐसा लग रहा है बिल्कुल हवा नहीं आ रही, तो उससे भी कालापन हो सकता है। और दूसरा, अगर आप बहुत टाइट कपड़े पहनते हो, मतलब मेरी आदत थी यूट्यूब स्टार्ट करने से भी पहले मैं इतने टाइट जीन्स, इतने टाइट कपड़े पहनती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे हिप्स है ही नहीं, अगर मैं और ढीले कपड़े पहनूंगी तो वो तो ऐसे हैंगर लगूंगी। और सब मुझे बोलते भी तो हैंगर जैसे लगते हैंगर, बट अब जो है वो है ना। बट मैंने अपनी सेफ्टी और अपने हाइजीन को मेंटेन करने के लिए थोड़े से ढीले कपड़े पहनने स्टार्ट किए। स्वेटिंग होगी, इरिटेशन होगी, रैशेज होंगे, टेढ़ी चाल हो जाएगी, बैठ बैठ के चलने लग जाओगे, खुजाने लग जाओगे, ये सारी चीजों से तो बेटर है कि आप थोड़े से लूज कपड़े पहनो। हाँ कभी कभार टाइट पहन रो, जीन्स पहन रो चलेगा, पर रेगुलर बेसिस पे नहीं। इसके बाद मैं कुछ टिप्स देना चाहूंगी जो आपको फॉलो करनी चाहिए। पहली चीज तो यही लगा लो कि आपको टाइट कपड़े नहीं पहनने। और जितने भी लोग ये सोचते हैं कि मैं तो ये वाली चड्डी पहनूंगी, क्यूट सी लेस वाली है, यार नॉर्मल कॉटन की चड्डियां पहनिए, नहीं तो ना हालत बहुत खराब हो जाएगी। ये लोग सोचते हैं कि लेस वाली चड्डी पहनूं और जो प्रिटी लगे एकदम, क्या जरूरत है, चुप रहो। नॉर्मल ही चड्डियां पहननी है जो अच्छी लगे। उसके बाद अपनी वहां की स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करके रखना, ड्राई नहीं रहनी चाहिए। मॉइस्चराइजर के लिए सोचो कि मैं इतना महंगा मॉइस्चराइजर लेके आऊंगी, कोई जरूरत नहीं है। ये देखो ये लगाना है बस नारियल तेल। अब मैं अलग अलग इंग्रेडिएंट्स मैं अलग अलग सामग्री बता रही हूँ आपको, वो क्या क्या चीजें होती है। जैसे कर्ड हो गई, एलोवेरा जेल हो गई, ये जो मैंने अभी आपको दिखाया कोकोनट ऑयल हो गया, ऑरेंज जूस हो गया। ऑरेंज जूस के अंदर अगर आप हल्दी मिक्स करके वहां पे लगा रहे हो बहुत अच्छा होता है। रोज वाटर को लगा रहे हो चंदन में ऐड करके, वो भी बहुत अच्छा होता है। पर उसके बाद उसको सूखने के बाद उसको अच्छे से वाइप करके आपको हटाना है। ये नहीं करना कि बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती, पर समझ जाओ। उसके बाद पटेटो लगाना है। पटेटो सबको मालूम है कि डार्कनेस को कम करता है, डार्क एरिया होता है, जैसे हमारे यहाँ पे दाने वगैरह हो जाते हैं या ब्लैक कलर के धब्बे छूट जाते हैं, उसको भी मम्मियां बोलती है कि पटेटो लगा के ठीक करो, तो पटेटो बहुत अच्छा है, वो भी आप लगा सकते हो। शुगर और लेमन को दोनों को मिक्स करके लगाना है। उसके बाद वाइटन अप करने के लिए आप टमेटो के जूस को भी रब कर सकते हो, प्लस बेकिंग सोडा के भी यूज कर सकते हो। और काफी सारे लोगों की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो हर किसी के ऊपर लेमन काम नहीं करता, ऑरेंज जूस काम नहीं करता या बेकिंग सोडा काम करता, तो इन सबको साइड रखे आप नॉर्मल चीजों को भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कर्ड को, बेसन को, उसके अंदर टर्मरिक डाल के तीनों का मिक्स करके पाउडर बनाओ या पेस्ट बनाओ, उसके बाद उसको लगाओ। एडिशनल ये तो टिप टाइप है कि अगर आपका बहुत ज्यादा ओवरवेट हुआ, इनको ओवरवेट होता है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा वो एरिया ब्रीथ नहीं कर पाता, तो अगर आप बहुत ज्यादा ओवरवेट हो थोड़ा सा ट्राई करो एक्सरसाइज करने का या अपनी डाइट पे कंट्रोल करने का, तो उससे भी आपको बहुत फर्क पड़ेगा। बेशक मैं बहुत लिमिटेड चीजें बता रही हूँ, बट ये सारी ही मैंने खुद रिसर्च की है, खुद देखी है, और कोई भी अधूरा या वैसा ज्ञान नहीं दे रही हूँ। सिर्फ नॉर्मल चीजें अगर आप गूगल भी करोगे तो भी आपको मिल जाएंगी या आपको समझ आ जाएगा कि एक भी चीज गलत नहीं है। सो यस, एक और टिप देना चाहूंगी कि आप कॉफी, शुगर और कोकोनट ऑयल को तीनों को मिक्स करके आप एक्सफोलिएट कर सकते हो स्किन को, और इसको आपको करना है 3 से 4 बार एक हफ्ते में। और एक मैं मास्क भी बता रही हूँ, आप वहां क्या छोड़ो कहीं भी लगा सकते हो, एल्बो पे लगा सकते हो, अपने स्किन पे लगा सकते हो, या आपको जहां जहां लग रहा है, कुछ लोगों की गर्दन बहुत काली होती है वहां पे भी लगा सकते हो। ये मास्क सही है हर किसी के लिए। तो इसमें क्या करना है आपको, टर्मरिक यहीं आके खास ले, टर्मरिक लेनी है मतलब हल्दी, बेसन लेना है और लेमन जूस लेना है, तीनों को अच्छे से मिक्स करके तब वो लगाना है। 10 मिनट के लिए छोड़ दो, उसके बाद एक गीले टॉवल से उसको हटा दो, बस यही करना है। और जितना हो सकता है उतना पानी पियो, पानी पीने से आपकी स्किन भी बहुत अच्छे से ग्लो करेगी, पूरे शरीर के अंदर कोई भी बीमारी होगी तो वो भी खत्म हो जाएगी। सो डोंट वरी अबाउट इट। यस बस इतना ही है, मुझे बताना जरूर अगर आप लोगों को एक्चुअली रिजल्ट दिखे तो। एंड यार आई लव यू सो मच। कोई और भी प्रॉब्लम है, हाँ मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पर ठीक है थोड़ा रिसर्च करके जितना खुद को ज्ञान है, खुद का एक्सपीरियंस है, उससे आपको चीजें बता सकती हूँ। एंड